How's everybody doing? Fine, sir. आपने भगत सिंह का नाम क्यों दिया? ये इसने दिया है या किसने दिया है? ये इसने दिया है. If you think भगत सिंह, what do you think? Revolution. The ideology person. The sacrifice for the country. तो क्रांति ही संघर्ष है, तो उसको देख लगता था कि क्रांति कुछ तो परिवर्तन है. आजादी. जो ठीक लगता है उसको कर दो, परिणाम बाद में सोचेंगे. फ्रीडम से क्रांतिकारी. आई थिंक देश से प्यार करते थे इसलिए. यंग रिबेल फ्री, और यही सोच के ये नाम भी रखा था उस समय भी. ये सबसे यूथ ग्रुप था और सबसे ऐसे लोग थे जो कोई नियम नहीं मानते हैं. दी मल्टी स्पीड. This is like very important question from Bharat Yatri. But you don't get affected by the speed. Yes. No. Because you can relax a little bit. सुबह सुबह Bharat Yatri पीछे रह जाते हैं तो उनको ये confidence रहता है कि tea break होगा उस तक हम पहुंच जाएंगे. But sir, general people जो है, जैसे हम लोग एक जगह कर्नाटक में जब गांव की एक lady थी, उन्होंने हमको चाय पिलाया रोक के, तो उनको ये feel हो रहा है कि राहुल गांधी को pain हो रहा है. अगर थोड़ा दर्द नहीं हो रहा है, it's ineffective. I think if you're going to do something like this, I consider this, at least for you people who are, in a sense, the younger generation of the Congress Party, the future of the Congress Party, it's got to have a sense of tapasya in it. It's got to have a sense of some struggle in it. Otherwise, it's useless. At least me, and I think most of you, you're not doing it for other people. You're doing it for yourself to understand what is going on in the country, to understand what people are facing. And it's impossible to do that if you don't suffer slightly. अभी हम फील कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर कैसे पैदल गए. वो कहेगा देखो यार ये पैदल चल रहा है, ठीक है, भूखा नहीं मर रहा, हाँ, पुलिस घर है, पुलिस डंडे नहीं मार रही, पुलिस डंडे नहीं मार रही, मगर आधा रास्ता तो आ गया. कुछ नेता आते हैं हमको ज्ञान देते हैं आके ना कि तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे, तो हम भी अब उन्हें बोलने लगे हैं पहले 25 किलोमीटर चलो फिर. people are coming and they are saying, you know, you should walk like this, you should walk like that. Boss, कितने घंटे चले हो आप? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिनमें बेलदारी था कि बहुत गर्मी होगी, लेकिन वहां भी जैसे यात्रा आने वाली थी दो दिन पहले बारिश हो गई और इजीली आराम से सब. सही बात है, मैं भी इसको नोटिस कर रहा हूँ कि जहां भी थोड़ी मुश्किल आने लग जाती है कुछ ना कुछ रिजॉल्व कर जाते. आपने भी देश की बात करी, आपने भी देश की बात की, तो देश है क्या? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लाइक कास्ट, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट स्टेट्स, दिस इज लाइक टू डिफरेंट कल्चर, दिस इज द इंडिया नेशन. आरएसएस का कॉन्सेप्शन क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया उनके लिए टेरिटरी है. उन्हीं के लोग बात करते हुए बोले थे कि जब दोनों के बीच में लड़ाई होता है तो पहले देखते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, उसके बाद फिर कास्ट क्या है. तो मतलब वो डिवाइड करते हैं, सोशल ऑर्डर में बिलीव करते हैं. दो शब्द हैं, एक आगम है और एक आदेश है. आगम जो है वो मित्रवत है और आदेश है शत्रुवत है. तो कांग्रेस जो है अगर कोई चीज़ दे भी रही है या कह भी रही है तो वो एक मित्रवत व्यवहार है. धीरे धीरे लोगों को एहसास होना चाहिए, फिर वो उसको स्वीकार करें. और एक आदेश है कि नहीं करना है आज ही. जब यहाँ पे 500 से ज़्यादा रियासतें थी तो वो तो रियासतों के साथ खड़े थे. कांग्रेस पार्टी ने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, राजे राजवारों का पेंशन बंद किया, तो वो तो हमेशा से सत्ता के साथ खड़े होते. हम हिंदुस्तान की जनता को पावर देते हैं. आज़ादी की लड़ाई नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर टू, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, नरेगा, बैंक नेशनलाइजेशन, लैंड एक्विजिशन बिल, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन. उनका कॉन्सेप्ट प्रसाद का कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट लाइक प्रसाद. भैया पावर मेरे पास, थोड़ा सा प्रसाद आपको, थोड़ा सा प्रसाद आपको, थोड़ा सा प्रसाद आपको, ज़्यादा मत मांगो, और तूने उससे ज़्यादा मांग लिया ना, टांग तोड़ दूंगा. अगर हमारी ऑपोजिशन में से हमें किसी को यात्रा में इनवाइट करना हो तो आप किसको इनवाइट करेंगे? अमित शाह आ जाए और वो जो है 25 किलोमीटर चलने फिर हम तो बार बार बोलते हैं इम्पॉसिबल है ना. नहीं, बट वो तो आप वो डिस्टर्ब करने के लिए बुला रहे हैं. स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए सर, ताकि यहाँ पे जो भी प्लेकार्ड्स दिख रहा है सिलेंडर का वो देखेंगे और उसका थोड़ा चेंज होना. घर से जब निकली तो ये सोच के निकली थी जब तक मैं काश्मीर नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं भारत जोड़ो यात्रा से मैं नहीं जाऊंगी. मैं अपने कंटेनर में रह रहा था, 30 दिन मैं कंटेनर में रह रहा था, फिर मैं वापस घर गया. मैं सोच रहा था यार अब चलो वापस कंटेनर चले. ये जो जैमर है ना उसका बैंड कम होना चाहिए. लोगों का डिवोर्स हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, बात नहीं हो सकता है फोन पे. बट ये जैमर नहीं है क्योंकि मैंने इनसे कहा है कि जैमर नहीं चलाना. ये प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 200-300 लोग हैं,
वो सब वीडियो फोन्स यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क पे ज्यादा लोड आ रहा है, इसलिए वो कलैप्स कर रहे हैं। सर मेरे मॉम डैड का जैसे देहांत हो चुका है, मैं टाइम्स हम गिरती हूँ सर, बट संभाल लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। कोई डिसीजन गलत नहीं होता, देखो डिसीजन जब ही गलत होता है जब उसके बाद आप डिसीजन नहीं लेते हो। रॉन्ग डिसीजन इज इफ यू स्टॉप मेकिंग इट, इफ यू स्टॉप, इफ यू गिव अप, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। I'm feeling it also while we're doing it. It's a lifetime experience to be able to walk, to meet so many people. I don't think कितने लोगों से आप मिले हैं, मतलब लाखों लोगों से आप मिले हैं। बहुत लोगों से, no count, है ना? No count. तो मतलब जितने लोगों से आप पिछले 55 दिन में मिले हो, पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में आप नहीं मिले हैं, या पिछले 10 साल में नहीं मिले, तो it's a lifetime experience. It's fantastic experience.